की संडी हॉरर टेल्स। मेरा नाम प्रसाद है। मेरे पापा का 2 साल पहले मुंबई में ट्रांसफर हो गया। तब से हम इस कॉलोनी में रह रहे थे। हमारे आजू बाजू में सभी मराठी लोग रहते थे, लेकिन हमारे साथ वे भी हिंदी में ही बात करते थे। हमारे घर के बाजू वाले घर वालों के साथ हमारा अच्छा दोस्ताना था। उनका भी एक बेटा था, उसका नाम जीवा था, जो मेरी उम्र का था। हम दोनों एक ही कॉलेज में थे, उसके वजह से हम अच्छे दोस्त भी बन गए। जीवा हमेशा उसके गांव की जत्रा का जिक्र करता रहता था। इस बार तुम भी हमारे साथ जत्रा में चलो, कहता था। पिछले साल पापा को ऑफिस के वजह से छुट्टी नहीं मिली थी, पर इस बार पापा ने पहले ही जत्रा के लिए 2 दिन की छुट्टी निकाल ली। अगले दिन हमें जीवा के गांव जाना था। मैं बहुत एक्साइटेड था। हमने रात में ही सामान की पैकिंग कर ली, क्योंकि हमें सुबह 7 वाली बस से ही निकलना था। उस गांव में सिर्फ 2 ही बसें चलती थी, सुबह 7 बजे गांव जाने वाली और 4 बजे गांव से वापस आने वाली। सो हम सब ने सुबह 7 बजे वाली बस पकड़ ली और गांव के लिए निकल पड़े। जीवा का गांव मुंबई से 150 किलोमीटर दूर था। वहां उनका पुश्तैनी मकान भी था। हम सब वही रहने वाले थे। 4 घंटे बाद जीवा का गांव आ गया। गांव छोटा सा ही था, पर बहुत सुंदर था। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। बस स्टॉप से जीवा का घर कुछ ही दूरी पर था। हम सब उसके घर पहुंचे। वहां पर उसके चाचा चाची और उनके 2 बच्चे भी रहते थे। उन्होंने हमारा बहुत अच्छे से स्वागत किया। जीवा के चाची ने हमारे लिए बहुत स्वादिष्ट खाना बना के रखा था। हम सब ने फ्रेश होकर खाना खाया और आराम करने अपने रूम में चले गए। हमें शाम 4 बजे जत्रा में जाना था। 4 बजे हम सब तैयार होकर पैदल ही जत्रा में निकल पड़े। जत्रा गांव के बाहर थी। जत्रा में बहुत भीड़ भी थी। हर तरफ बड़े बड़े झूले थे। खाने पीने के, कपड़ों के और ज्वेलरी के स्टॉल लगे थे। सिर्फ एक बंद स्टॉल था, जिस पर लिखा था जादू का खेल। हम सब टिकट निकाल कर अंदर चले गए। अंदर बहुत भीड़ थी, लेकिन हमें बैठने के लिए जगह मिल गई। सामने एक छोटा सा स्टेज था, उस पर एक बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ था। जादूगर जैसे स्टेज पर आए, सबने तालियां बजानी शुरू कर दी। वो जादूगर मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। वो मुझे ही बार बार देखे जा रहा था। मैंने जीवा से ये बात भी कही, पर उसका पूरा ध्यान जादू के खेल पर ही था। अचानक जादूगर ने मुझे जादू की अगली खेल के लिए स्टेज पर बुलाया। मम्मी पापा ने भी मुझे स्टेज पर जाने के लिए परमिशन दे दी। मैं भी स्टेज पर चला गया। जादूगर ने मुझे उस बड़े से बॉक्स में जाकर बैठने को कहा। मैं उस बॉक्स में जाकर बैठ गया। उसने ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया। मुझे बॉक्स की छेद में से बाहर का दृश्य दिख रहा था। उसने बॉक्स पर लाल कपड़ा डाल दिया, और जब वो लाल कपड़ा उठाया तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। सामने से मैंने खुद को आते देखा। मैं तो बॉक्स में बंद था, तो वो कौन था जो मेरे मम्मी पापा के बगल में जाकर बैठा? मैंने बॉक्स का ढक्कन खोलने की कोशिश की, पर ढक्कन खुल ही नहीं रहा था। मैं अंदर कैद हो चुका था।